राम राम दोस्तों, मैं अरुण कुमार, डायरेक्ट वैदिक रेमेडी सीधा ज्योतिष के समाधान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बृहस्पति के राशि परिवर्तन की चर्चा में आज चर्चा कन्या वालों के लिए करेंगे, विर्गो, कि उन पर इस राशि परिवर्तन का क्या असर पड़ेगा। राशि परिवर्तन, ट्रांजिट, गोचर, ये एक ही चीज़ होती है। आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति होती है वो फिक्स्ड होती है, स्थाई होती है पूरे जीवन के लिए। उससे जो संकेत मिलते हैं आपके जीवन की विभिन्न घटनाओं के बारे में, महादशा और इस गोचर का अध्ययन संयुक्त रूप से किया जाता है उन घटनाओं का समय निकालने के लिए। शनि, राहु, केतु और गुरु, इनका गोचर सबसे महत्वपूर्ण होता है। ज़्यादा लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं। गुरु लगभग 13 महीने, राहु केतु 18 महीने और शनि लगभग 2.5 साल एक ही राशि में रहते हैं। इसी कड़ी में एक इम्पोर्टेंट राशि परिवर्तन होने जा रहा है आने वाली 11 अक्टूबर 2018 को, जब गुरु वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। अब तक जो गुरु हैं वो तुला राशि में चल रहे थे, शत्रु राशि, इतनी मजबूत स्थिति नहीं थी उनकी, लेकिन अब उनकी स्थिति मजबूत होने जा रही है। वृश्चिक राशि में अपने परम मित्र मंगल की राशि में जाएंगे तो मजबूत स्थिति में जाएंगे। गोचर के बारे में दो तीन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत है तो इस गुरु की शुभता का पूरा लाभ आपको मिलेगा। अगर उसकी स्थिति मजबूत नहीं है तो ये फल ठीक ठीक रहेगा। और इस गोचर को लगन से भी, यानी कि कन्या लगन से भी, और कन्या राशि यानी कि मून साइन, अगर आपका चंद्रमा कन्या में है तो दोनों से देखा जाना चाहिए। और जिन कन्या लगन वालों का चंद्रमा ही लगन में है, यानी कि लगन भी वही है और राशि भी वही है, वहाँ पर इसका फल सबसे प्रभावी रहेगा। आपकी कुंडली में अगर गुरु ही महादशा और अंतरदशा में भी चल रहे हैं तब भी ये फल आपको और ज़्यादा प्रभावी मिलेगा। गुरु दोस्तों नैसर्गिक रूप से आपके ज्ञान, आपकी धार्मिकता, संस्कार, आचरण, वैवाहिक जीवन की मधुरता, शिक्षा, आपका धन का जो पक्ष है, संतान का पक्ष है, इसके अलावा जो टीचर्स यानी कि एनी टाइप ऑफ गाइडेंस जो आपको जीवन में मिलती है, सलाह मिलती है, उसके नैसर्गिक रूप से कारक होते हैं। तो इन सब का कारकत्व लिए हुए कन्या राशि पर इसकी चर्चा करेंगे कि बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन रहेगा आने वाली 11 अक्टूबर 2018 को वृश्चिक में, वो कैसा रहेगा कन्या के लिए, बोथ फ्रॉम असेंडेंट एज वेल एज मून साइन। 5 नवंबर 2019 तक गुरु वहीं रहेंगे लगभग 13 महीने। कन्या मतलब जब आपके पहले भाव में 6 नंबर लिखा होता है यहाँ पर, तो ये कन्या वालों की कुंडली होती है। कन्या के अंदर चौथे और सातवें दो केंद्रों के स्वामी होते हैं गुरु, चतुर्थेश और सप्तमेश। ऐसे गुरु अभी तुला में चल रहे हैं 11 अक्टूबर से पहले तक, सेकंड हाउस में, दूसरे घर में। शनि आपके चौथे घर में चल रहे हैं, राहु 11वें घर में और पंचम में केतु चल रहे हैं। तो जो संघर्ष की स्थिति बनी हुई है इसमें जो गुरु परिवर्तन करके वृश्चिक में आएंगे यहाँ पर तीसरे घर में, इसमें आपको राहत मिलेगी। ये परिवर्तन गुरु का शुभ रहेगा आपके लिए। तीसरा घर जो रहता है आपके साहस का रहता है, आपके पराक्रम का रहता है, कम्युनिकेशन का रहता है, छोटे भाई बहनों का रहता है, आपके एफर्ट्स का रहता है, इन सब चीज़ों का। तो यहाँ पर आने के बाद गुरु राहत देंगे आपको, और जो कम्युनिकेशन है आपके नेटवर्क सर्कल में, आपके मित्रों के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, वो आपका बढ़ेगा। बड़े बुजुर्गों से आप सलाह लेंगे, कम्युनिकेशन मतलब आपका बढ़ेगा, तो उससे बहुत मदद मिलती है व्यावसायिक तौर पर भी, क्योंकि गुरु की जो पांचवी दृष्टि है वो आपके पार्टनरशिप के घर पर है, सातवें घर पर, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है। और गुरु की जो नौवीं दृष्टि है वो आपके लाभ भाव पर है, जहाँ पर 4 नंबर लिखा है, और वो उच्च की दृष्टि है। सातवीं दृष्टि 10th हाउस पर, पाँचवीं दृष्टि 7th हाउस पर। तो और शनि की जो सातवीं दृष्टि है वो भी आपके 10th हाउस पर जा रही है। तो इस पीरियड के दौरान आप कोई नई लाभदायक साझेदारी कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं, और लाइफ पार्टनरशिप यानी कि शादी का भी सुंदर योग इन 13 महीनों के दौरान रहेगा। गुरु की पाँचवीं स्वग्रही दृष्टि आपके विवाह के घर पर है, तो और नौवीं दृष्टि लाभ भाव पर है, उम्मीदों और खुशियों का जो घर रहता है, तो शादी के लिए अच्छा समय है ये। शादी इस वक्त आप कर सकते हैं, और महत्वपूर्ण लाभदायक साझेदारी भी आपकी हो सकती है। कोई रुका हुआ आपका पैसा है वो आपको मिल सकता है, कोई भी रुका हुआ काम है इस वक्त आपको उसमें मदद मिलेगी। जो गुरु की 7th हाउस पर दृष्टि है उससे जो आपकी अगर कोई व्यावसायिक उलझन चल रही है उसको सुलझाने में भी ये गुरु मदद करेंगे। वैवाहिक जीवन में अगर आपके तनाव चल रहा है तो वहाँ पर भी वो भी सुलझ सकता है।
इवन छोटे भाई बहनों के साथ अगर कोई विवाद है तो उनसे भी कम्युनिकेशन बढ़ेगा, वहाँ पर भी आपको ये गुरु मदद देंगे उसको सुलझाने में। अब गुरु नैसर्गिक रूप से 9वें घर के कारक हैं और तीसरा घर छोटी यात्राओं का रहता है, छोटी दूरी की, तो आप तीर्थ यात्रा भी इस वक्त कर सकते हैं, उसका भी अच्छा योग है। अच्छा गुरु भी आपको कोई मिल सकता है जो कि आपको सहायता करेगा, सही गाइडेंस देगा। गुरु की आय कुल मिलाकर ये गुरु का गोचर शुभ रहने वाला है। इवन जो शिक्षा पक्ष अगर हम देखें तो जो फोर्थ हाउस रहता है हायर सर्टिफिकेट्स का, हायर एजुकेशन का, उसके लॉर्ड होकर गुरु थर्ड हाउस में जाएंगे तो शिक्षा पक्ष भी विद्यार्थियों का मजबूत रहेगा कन्या वालों के लिए। गुरु की शुभता को और बढ़ाने के लिए आपको गुरुवार का व्रत रखना चाहिए। गुरुवार को आप हल्दी, चने की दाल और केले का दान भी कर सकते हैं निर्धन को। धार्मिक पुस्तकों का दान करना भी मंदिर में बहुत शुभता प्रदान करेगा। फिर किसी राशि के साथ दोबारा मिलूँगा, आज के लिए बस इतना ही। राम राम।